गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका सेकंड पार्ट है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा आज हमारा। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। भाई किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमारा क्या है कि अगर जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज फ्लो करता है तो उसका जो रेट है, यानी कि अगर मान के चले कि एक सेकंड में हमारा 5 यूनिट चार्ज फ्लो करता है या 5 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितने होगा, 5 एम्पीयर की करंट हो जाएगी। जैसे कि फिर से समझते हैं इसे। अब देखो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि चार्ज, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, और जहाँ पर रेट आ जाए, रेट, तो अपॉन में हमेशा टी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, आई के, यानी आई कॉस्ट होता है क्यू अपॉन टी। यानी कि क्या कह सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है कि अब हमें पता था कल, जैसे कि लास्ट में ही देखा था हमने, लास्ट पार्ट में, कि जो मूवेबल पार्ट होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में रहता है, तो वो तो मूव करता नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, केवल और केवल हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट देख लेते क्या है, अगर मान के चल रहे हैं कि कोई बैटरी है हमारी, ठीक, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, तो जो कन्वेंशनल देखा जाए, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तब हम लोग ऐसे मानते थे कि प्लस से जो हमारा प्लस चार्ज होता है वो मूव करता है माइनस की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती तब का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि प्लस चार्ज जो है मूव करता है माइनस की तरफ, और हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो ये होती है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है भाई कि प्लस से माइनस की तरफ ही होती है, बट यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी की, या कह सकते हो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, तब हमें पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो अपोजिट होती है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दो बातें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब ये फॉर्मूला तो हम लोग देख ही लिया कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब देखो क्यू, क्यू जो होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक फॉर्मूला होता है एन ई, ठीक, तो Q के प्लेस पर आप एन ई यहाँ प्लेस कर दोगे, तो एक नया फॉर्मूला हमें मिल जाता है, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें, अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो आप यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, कूलम होता है, यूनिट टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो यानी कि यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन सेकेंड। अच्छा, इसे कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, इसे एम्पियर यूनिट दे देते हैं, यानी कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर पूछे जाए तो आप क्या दोगे, एम्पियर। ओके, ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं भाई एक वन एम्पियर क्या होता है कि अगर हम लोग मान लें यहाँ पर वन कर दें, यानी कि वन एम्पियर इक्वल्स टू वन कोलम अपॉन वन सेकेंड, यानी कि अगर कोई कंडक्टर है हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर, ठीक है, उसमें एक सेकेंड में एक कोलम चार्ज अगर जब पास होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। फिर से समझते हैं, अगर कोई करंट कंडक्टिंग कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, कंडक्टर आप कोई भी कुछ भी मान सकते हो, आप जैसे कि आयरन रॉड होती है हमारी, ठीक है, स्टील, कॉपर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे करंट कंडक्टिंग कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें एक सेकेंड में अगर एक कूलम हमारा चार्ज फ्लो कर जाता है, तो उसे हम लोग 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ बेसिक सी यूनिट्स होती जाती हैं, जैसे एक मिली एम्पियर होता है, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम ए। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10^-3 एम्पियर के, 1 माइक्रो जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10^-6। ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपका यूज़ करने को आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कैसी यूनिट होती है भाई आपकी, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हम लोग समझ लेते हैं, जिससे और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि करंट भाई हमें देर की कितनी, 0.5 एम्पियर देर की, इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर हाफ एन आर। ठीक है, तो हाफ एन आर यानी कि
हाफ एन आवर क्या है, टाइम है हमारा, तो टाइम क्या हो गया 1/2 आवर्स, जिसे हम लोग मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 30 मिनट्स हो जाएगा, इसे सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 1800 सेकंड्स हो जाते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज यानी क्यू की वैल्यू भाई फाइंड करनी है हमें। हमें आई दे रखा है, ठीक है, और टी भी दे रखा है, तो ये वाला तो फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हमें पता ही था, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई की वैल्यू 0.5 जो कि एम्पियर में दे रखी है, और टी क्या है 1800 सेकंड्स। यूनिट का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 900 कोलम आ जाएगा, यानी कि यहाँ टोटल चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी वो 900 कोलम आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा, जो भी इसका आंसर आता है आप कॉमेंट में लिखिए इसे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले समझना पड़ेगा, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा प्लस चार्ज था, ठीक है, फिर से यहाँ प्लस चार्ज आ गया, फिर से प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब हमने पढ़ रखा है कि जब सेम चार्ज होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो अगर क्या है कि अगर कोई अदर प्लस चार्ज को अगर हम इस फील्ड में लेकर आएंगे, ठीक है, तो हमें इस फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क होता है, ठीक है, यही क्या हो जाता है हमारा पोटेंशियल हो जाता है, यही वर्क क्या होता है पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया हमारा, ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी, कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है पर यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने के लिए जो भी आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वही क्या हो जाता है हमारा पोटेंशियल हो जाता है, ठीक। तो इस पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और क्या बोला मैंने कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी फील्ड में लेकर आने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और ये क्या है हमारा चार्ज है। तो इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने के लिए जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वही क्या हो जाता है हमारा पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक, पसंद में आ गई होगी ये हमें। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि जो इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी वर्क की यूनिट अपॉन जो चार्ज है उसकी यूनिट। तो वर्क की यूनिट भाई हमें पता है क्या होता है, जूल होती है, और क्यू की क्या होती है, जो कि चार्ज है, चार्ज की होती है कूलम, यानी कि यह है जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम, और इसको कमाइंडली क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल की जो यूनिट मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझिए क्या है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि ये बताएं, जैसे पोटेंशियल होता था हमारा, ठीक, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, तो किसी पॉइंट बी से ए तक, यानी किसी चार्ज क्यू है हमारा पास, ठीक है, किसी चार्ज क्यू को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ए टू बी मूव करने में, या बी टू ए जो भी बोलो, ठीक है, उसको मतलब कि बी पॉइंट से सपोज ए में लाने के लिए जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो लॉजिकली हो गया, मतलब ये तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स के लैंग्वेज में। ओके, जनरल लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं भाई क्या होता है पोटेंशियल, ठीक। तो देखो क्या है, पोटेंशियल और करंट का एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, मतलब कैसे डिपेंड करते हैं ये दोनों आपस में, ठीक। तो उसके लिए समझते, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा फिल है। तो यहाँ पर आप मान के चलो ये जो वाटर मैंने फिल करा है इसे आप मान के चलो ये हमारा क्या है, ये पूरा पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल या वोल्टेज मान के चलते हो, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 220 वोल्ट है और यहाँ पर क्योंकि ये जीरो है तो यहाँ पर क्या है, जीरो वोल्ट है, ठीक है। अगर आप क्या कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, अगर इसको कनेक्ट करो तो वाटर का फ्लो ऐसे फ्लो करने लगेगा, यानी 220 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ बढ़ने लगेगा ना,
ठीक है, तो यही होता है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक करंट का फ्लो होगा ही नहीं। जैसे कि समझते हैं, अगर मान के चलें दो कंटेनर थे हमारे पास भाई, ठीक है, यहाँ पर भी 220 था, यहाँ पर भी 220 है, यहाँ 220 वोल्ट है और यहाँ पर भी कितना है, 220 वोल्ट है। तो अब अगर भाई इसको कनेक्ट कर दो तो ये क्या इनके बीच में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है जी, आप कह सकते हो कि जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा दो वायर्स दे रखे होते हैं, ठीक। एक वायर में क्या होता है जिसे हम लोग फेस वायर बोलते हैं, जहाँ पर 220 वोल्ट आता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक हमारा न्यूट्रल वायर, जहाँ पर क्या होता है 0 वोल्ट होता है, ठीक है। तो फेस वायर से न्यूट्रल वायर जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है उन्हें, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब मिलता है तो वहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा आपके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या भाई कि 1 वोल्ट चीज़ क्या होती है, 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट जैसे बताया कि डेफिनेशन आप फॉर्मूला से बनाओ, ठीक है, तो 1 वोल्ट अगर हमें बनाना है कि 1 वोल्ट एक्चुअली क्या होता है, तो यहाँ पर 1 वोल्ट का जो फॉर्मूला था, तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कोलम, ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज़ डिफाइंड एज वन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज़ टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम लोग क्या करें, ये कोई फील्ड थी हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि एक पॉइंट सपोज ए है, ये बी है, ठीक, तो 1 कोलम का चार्ज हम ए से बी लाने में अगर हमारा जो वर्क लग रहा है वो 1 जूल का लग रहा है, ठीक है, अगर हमारा 1 कोलम का चार्ज है जो कि एक पॉइंट ए से बी तक लाने में हमें 1 जूल का वर्क डन लग रहा है, तो इस पूरे पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे, ठीक है भाई। ठीक, तो ये हमारे बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या भाई कि इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, कह रहा कि हाउ मच एनर्जी, अच्छा एनर्जी, अच्छा एक बात आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो वर्क होता है वो इक्वलेंट टू आपके एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी के लिए अगर फाइंड करने की बोल रहा है तो आप वर्क निकाल लो तो वो इक्वलेंट टू एनर्जी ही हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इज़ गिवन टू 5 कोलम ऑफ चार्ज, तो 5 कोलम अगर बोल रहा है तो ये क्या दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है, यानी कि क्यू की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद कह रहा है कि पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी, तो 12 वोल्ट बैटरी यानी कि यहाँ पर वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट दे रखी है, यानी कि हमारे पास क्यू है और वी है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू निकालना है। तो इनके बीच में देख लेते कोई रिलेशन याद है हमें क्या, हाँ बिल्कुल याद है, क्योंकि क्या होता है वी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। हमें निकालना क्या, डब्ल्यू निकालना, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 5 रख देंगे, वी की वैल्यू 12 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 60 जूल, यानी कि क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा, गिवन एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ेगी, 60 जूल की। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो रहेगा हमारा, ये क्या रहता है कि हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को मिलाकर और कंडक्टिंग वायर को मिलाकर एक सर्किट तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। जैसे बोला कि आ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, तो क्लोज मतलब क्या है कि सर्किट तभी आपका वर्किंग में रहेगा जब वो क्लोज हो, ठीक है। अगर मान के चलते कि वो यहाँ से क्लोज नहीं है, ठीक है, मान के चलते यहाँ से ये ओपन है, तो हमारा वर्किंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है एक क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और क्लोज के साथ ही साथ क्या होना चाहिए हमारा, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वही क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि हमारा जो सर्किट होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे पहला जो सिंबल दे रखा है इसे बोलते हैं सेल, यानी कि अगर यह कुछ ऐसे दे रखा हो, एक बड़ी लाइन देखी, एक छोटी लाइन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेल, ठीक है, इसे बोलेंगे भाई सेल, ठीक है।
यहाँ बड़ी लाइन जो होती है वो प्लस को रिप्रेजेंट करती है और छोटी वाली माइनस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट होगा कि इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला आप सिंबल देख रहे होगे, जो नेक्स्ट सिंबल ये देखें, इसमें ये दे रखा है कि तो जो नेक्स्ट सिंबल देख रहा है जिसमें कई सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको कई सारे सेल्स दिख रहे होंगे, ठीक। तो इसमें आपको एस टाइप से दिख रहा होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर कई सारे सेल्स को अगर मिला दिया जाए तो इसे बोल देते हैं हम लोग बैटरी। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट जो सेल रहता है इसमें कुछ एक वायर ऐसा है और दूसरा वायर ऐसा है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हुआ, तो इसे हम लोग कनेक्टेड वायर बोल देते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है, ठीक, एक वायर ऐसा है और इस पर से आकर ये दूसरा वायर ऐसा घूम कर चला गया है, ठीक है, जिसे बोल देते हैं डिसजॉइंट वायर्स। यानी कि क्या है कि एक वायर इस टाइप से था और उसके ऊपर से हमने दूसरा वायर भेज दिया, यानी कि दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो ज़िगज़ैग टाइप में दिख रहा है, तो ये जो इस टाइप से दिख रहा है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस का पूरा चैप्टर या पूरा एक टॉपिक रहेगा हमारा, वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो दिख रहा है ये रहेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसे रॉस्टेड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इसे बोलते हैं अमीटर। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, इसे बोल देते हैं की या स्विच। की या स्विच, जैसे कि आपके स्विच बोर्ड में या जो स्विचेस होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, वो वही चीज़ है, इनके ये सिंबल्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये देख रहे होंगे आप, ये ओपन है, ठीक है, तो इसे ओपन स्विच बोल देते हैं। ये यहाँ पर क्लोज है तो इसे क्लोज स्विच बोलते हैं। इनके दूसरा भी सिंबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इन ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ भी डॉट नहीं रखा है तो इसे ओपन हम लोग पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका वोल्ट मीटर और अमीटर, ठीक। तो वोल्ट मीटर अमीटर देख क्या है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, एक तरह की डिवाइस होती है। वोल्ट मीटर भी डिवाइस होती है, अमीटर भी डिवाइस होती है। वोल्ट मीटर क्या करती है, जो वोल्टेज को मेज़र करती है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को जो मेज़र करेगी तो उसे वोल्ट मीटर बोलेंगे, और किसी भी सर्किट में जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करेगी तो उसे अमीटर बोलेंगे। जो ये जो डिवाइस रहती हैं, अब इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस रहते हैं। डिफरेंस क्या रहते हैं, सबसे पहले क्या है कि जो ये वोल्ट मीटर रहता है ये हमेशा पैरेलल में रहता है, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल और सीरीज़ ये सब हमें नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी हमारी, ठीक, उसमें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको अभी तक तो थोड़ा सा इसे लर्न कर लो तो तभी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो वोल्ट मीटर रहता है वो हमारा पैरेलल मैनर में रहता है, जबकि जो अमीटर रहता है वो हमारे सीरीज मैनर में रहता है, ठीक। ओके, उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि करंट को जो रोकता है, आप ऐसे समझ लो, जैसे करंट फ्लो कर रही है तो इसके लिए जो रोकने के लिए बैरियर होता है उसको आप रेजिस्टेंस बोल देते हो, या कह सकते हो जो करंट के फ्लो को अपोज करे, ठीक है, तो उसे भी आप रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक। तो ये क्या करता है कि जो वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसके लिए रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। और यही क्या है कि अगर अमीटर हमारा है और अमीटर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, पहले पहले अमीटर जो होता है, ठीक है, अमीटर में रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज मैनर में लगा होता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आइडियल अमीटर के लिए ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं, वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है जबकि अमीटर सीरीज में जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इन्फिनिटी होता है, और आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो रहता है। ओके, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आया हो आपको वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू आज के लिए।